हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आप लोग का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे टैली प्राइम के बारे में। ठीक है, इसमें हम कुछ एंट्री करेंगे, कुछ देखेंगे एंट्री करके कि कैसे हम टैली प्राइम में एंट्री कर सकते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। जी, हमारा टैली प्राइम का कुछ इंटरफेस है इस तरह का, यहाँ पे देख सकते हैं। इसमें आपको जैसे आप टैली ERP 9, टैली 7.2, टैली 5.4 जिस तरह से उस पर वर्क किए हैं, सेम वैसा ही इस पर वर्क आप कर सकते हैं। हम यहाँ पे सबसे पहले क्या करते हैं, कंपनी क्रिएट करेंगे। कंपनी क्रिएट करने के लिए आपको कहाँ पे जाना है, यहाँ पे जाना है कंपनी में। F3 बटन प्रेस करेंगे, यहाँ पे आपको मिल जाएगा कंपनी क्रिएट। ठीक है, उसके बाद अल्टर है, सिलेक्ट कंपनी है, सर्ट कंपनी है। अल्टर मतलब चेंज करने के लिए होता है, सिलेक्ट करने के लिए कंपनी सिलेक्ट करेंगे, सर्ट टर्न करने के लिए कंपनी सर्ट कंपनी करेंगे। हमें क्रिएट करना है, क्रिएट कंपनी पे गए। उसके बाद क्या करेंगे, जैसे ही हम लोग वहाँ पे भी फिलअप फॉर्म करते थे, यहाँ पे भी सेम वही चीज़ है। कंपनी नेम, मेलिंग एड्रेस, यहाँ पे हमें फिलअप करना है। यहाँ पे डाल देते हैं कंपनी नेम, कुछ भी एड्रेस जो भी आपको डालना है, एप्लीकेट स्टेट, पिन कोड जो भी आपका पिन कोड है, मोबाइल नंबर, फैक्स, वेबसाइट, ईमेल है तो यहाँ पे बिगनिंग और फाइनेंशियल ईयर जो भी डेट यहाँ पे ऐड होना है वो ऐड कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पे वहाँ पे था क्या कि RS देते थे, यहाँ पे इंडियन रुपीस में दिया हुआ है NRI, यहाँ चेंज भी कर सकते हैं, फॉर्मल नेम को एक्सेप्ट कर लेंगे। तो ये एक मेरा क्या है, कंपनी क्रिएट हो गया यहाँ से। ठीक है, अब यहाँ पे है कि मेंटेन अकाउंट, यस करना है तो यस कर सकते हैं, नो करना है तो नो करो। वहाँ पे होता है क्या है कि आप F12 के F11 के अंदर जाके यस करते थे, लेकिन यहाँ पे कंपनी क्रिएट करने से पहले यहाँ से ऑप्शन ऑन और ऑफ करने के लिए बोल रहा है, तो आप यहां से ऑन ऑफ कर सकते हैं, आप यहां से ऑफ भी कर सकते हैं। इसे अभी ऑफ ही कर देते हैं, कोई काम नहीं इसका। मेंटेन इन्वेंटरी का भी कोई काम नहीं, इन्वेंटरी अभी हम यूज नहीं करेंगे। GST भी नो कर लेते हैं, GST का भी कोई काम नहीं है, अभी एक्सेप्ट कर लिए। ठीक है, हमारा जो कंपनी यहाँ पे जो है करेंट ओपन किया हुआ वो ये है। उसके बाद यहाँ पे गेटवे ऑफ टैली आता है, इसमें आप क्रिएट करते थे, लेजर बनाते थे, वो सारा चीज़ें बैलेंस शीट देखने के लिए होता है। सारा चीज़ यहाँ पे सेम वही है, सिर्फ डिज़ाइन इसका चेंज है। क्रिएट करेंगे यहाँ से, लेजर आपको क्रिएट करना है या ग्रुप क्रिएट करना है या वाउचर टाइप क्रिएट करना है, यहाँ से देख सकते हैं, कर सकते हैं। हमें लेजर करना है, लेजर पे गए, बनाते थे कि हम लोग कैपिटल बनाते थे, कैपिटल कैपिटल अकाउंट्स के अंदर जाता है, यहाँ पे एक्सेप्ट कर लेंगे। उसके बाद एक अकाउंट हम बनाएंगे परचेज, परचेज परचेज अकाउंट के अंदर जाएगा। एक बनाएंगे सेल, सेल्स अकाउंट्स के अंदर जाएगा। अभी हम नॉर्मल एक अकाउंट्स क्रिएट कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। एक कॉन्ट्रा ले लेते हैं बैंक के लिए, SBI जो कि बैंक अकाउंट है, बैंक अकाउंट्स में जाएगा। यहाँ पे बैंक अकाउंट नंबर, IFSC कोड, जो बैंक आप रखना चाह रहे हैं यहाँ पे बैंक अकाउंट नंबर दे दीजिए, नेम दे दीजिए, हम यहाँ पे फिलअप कर देते हैं, अकाउंट नंबर दे देते हैं। यहाँ पे हमने अकाउंट नंबर दे दिया, IFSC कोड दे दिए, जो भी IFSC कोड है। ठीक है, स्विफ्ट यहाँ पे हमने IFSC कोड दिया, स्विफ्ट कोड है बैंक का वो दे देंगे, अगर नहीं है तो छोड़ देंगे। यहाँ पे ब्रांच कौन सा ब्रांच है वो आप दे दीजिए। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो ये बैंक हमने भर लिया। एक पेमेंट एक्सपेंस हम यहाँ पे डाल देते हैं, टेलीफोन। खराब टेलीफोन एक्सपेंस है वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस में जाएगा, यहाँ पे इनडायरेक्ट कर दीजिए, कंट्रोल है। तो जैसे आप वहाँ पे लेजर क्रिएट करते थे, सेम वैसा ही यहाँ पे लेजर लेजर क्रिएट करना है। अब चल गए हम बैक एस्केप से, अब वाउचर एंट्री करेंगे यहाँ पे। तो वाउचर के लिए यहाँ पे वाउचर दिया हुआ है, यहाँ पे सिंपल क्लिक कीजिए, वाउचर एंट्री में आप चले गए, या भी प्रेस कीजिएगा तो भी वाउचर एंट्री में जाइएगा। कैपिटल लगाने के लिए रिसिप्ट वाउचर होता है, रिसिप्ट के लिए F6 होता था, F6 बटन आपको यहाँ पे प्रेस करना है, सेम वही चीज है। इसमें सिर्फ डिजाइन चेंज है, बाकी सब सेम, जो वहां काम करते थे वही काम यहाँ भी करना है। कैपिटल किए, कैपिटल आपको जितना लगाना है यहाँ पे हम यहाँ पे लगा दिए हैं। बाई कैश से लगाते थे तो कैश, अगर बैंक से लगाना है तो बैंक, चेक, किसी भी आदमी, कोई पार्टनर है तो वो सब यहाँ पे हम ऐड कर सकते हैं। तो
हमने यहाँ से एक्सेप्ट कर लिया। अब यहाँ पे आप जाइए बैंक में, बैलेंस शीट चेक करेंगे, बी फोर बैलेंस शीट यहाँ पे चेक कर लीजिए अल्ट एफ वन करके। तो यहाँ पे देखिए कि कैपिटल लग गया, असेट्स में कुछ नहीं है, लायबिलिटीज में आपका जो पूंजी लगा है वो है, सेम वही चीज है। उसके बाद फिर से बैंक फिर से वाउचर एंट्री हम कर लेंगे यहाँ पे। अब नेक्स्ट है हमको परचेस करना है, तो परचेस के लिए क्या वाउचर था, F9, F9 प्रेस कीजिए। सप्लायर इनवॉइस नंबर अगर है यहाँ पे तो हम दे देंगे, डेट दे देंगे, पार्टी नेम है कोई तो देंगे, नहीं है तो कैसे काम कर रहे हैं। रिसिप्ट नोट यहाँ पे कुछ लिखना है तो लिख सकते हैं, रिसिप्ट डॉकेट नंबर, डिस्पैच थ्रू किसके थ्रू होता है, डेस्टिनेशन, कैरियर नेम, एलआर नंबर यहाँ पे देना है, मोटर व्हीकल नंबर यहाँ पे आप फिलअप कर सकते हैं, इसमें बहुत सारे ऑप्शन भी दे दिए हैं रिसिप्ट डिटेल का। परचेस देंगे कितना का हम परचेस कर रहे हैं, 6,000 का हम परचेस कर रहे हैं, वो परचेस लिखेंगे। उसके बाद एक्सेप्ट कर लेंगे। मेरे पास अभी कोई आइटम्स है नहीं तो आइटम्स हम छोड़ देते हैं। आइटम्स बनाने के लिए आपको क्या करना है, इन्वेंट्री में जाना है। इन्वेंट्री हम बंद कर दिए थे, ठीक है, इन्वेंट्री आप ऑन कीजिएगा तो काम कर सकते हैं। ठीक है, से आप यहाँ पे इन्वेंट्री का वाउचर क्रिएट होगा, ठीक है। तो अभी हम सिर्फ वाउचर एंट्री कर लेते हैं, इन्वेंट्री अभी नहीं करेंगे। उसके बाद हम एक वाउचर और करेंगे पेमेंट्स का। पेमेंट्स के लिए आपको F5 करना होगा, सेम वही चीज है। पेमेंट्स में हम एक टेलीफोन एक्सपेंस डाल देंगे, टेलीफोन एक्सपेंस हमने डाल दिया बाय कैश से, हमने कैश क्रिएट किया, यहाँ पे टेलीफोन भी बन गया, ठीक है। अब हम एक SBI का जो बैंक में पैसा जमा करना है, बैंक का एक लेजर क्रिएट करेंगे, बैंक का वाउचर एंट्री करेंगे, तो बैंक के लिए मेरा F4 है, F4 पे चले गए। तो यहाँ पे हमें पैसा डिपॉजिट करना है, तो डिपॉजिट करना है कैश किसमें, कितना, यहाँ पे हम डिपॉजिट कर लेते हैं 12,000 रुपया, किसके अंदर, बैंक के अंदर। तो यहाँ पे बैंक का जो अमाउंट आप देना चाहते हैं, कितना का नोट है वो यहाँ पे फिलअप कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि मान के चलिए 1,000 का है, 12 हमने यहाँ पे फिलअप कर दिया। बैंक नेम कौन है, तो SBI बैंक है, यहाँ पे सिर्फ SBI बैंक नेम नहीं दिया है तो यहाँ हम यहाँ पे छोड़ देंगे, SBI यहाँ पे ऐड कर देते हैं और एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे जाके बैलेंस शीट में कि आपने जो जो एंट्री की है, आपने जो जो एंट्री की है यहाँ पे दिखाएगा, आपने बैंक में इतना जमा किया, कैश इन हैंड इतना बचा हुआ है, 6,900 का आपका लॉस हुआ है, कैसे लॉस हो गया, तो आपने यहाँ पे सेल किया नहीं, परचेज किया था 6,000 का और 900 का एक्सपेंसेस है और कुछ नहीं किया हुआ है, ठीक है। अब हम पूरा देखना चाहते हैं हिस्ट्री, तो डिस्प्ले के अंदर डे बुक करेंगे, तो यहाँ पे पूरा डिटेल आपको शो करते रहेगा कि आपने क्या क्या किए और क्या क्या बाकी है, ठीक है। अब हम चलते हैं वाउचर एंट्री में, एक सेल का वाउचर करेंगे, सेल के लिए F8 होता है, सेम वही प्रोसेस आपको करना है भाई, कैसे यहाँ पे फिर से फिलअप करने के लिए आएगा, फिलअप कर देंगे, यहाँ पे सेल कर देंगे, अमाउंट कितना है हम यहाँ पे अमाउंट दे देंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे, ठीक है। चलते हैं फिर से बैलेंस शीट के अंदर, यहाँ पे देखिए कि प्रॉफिट दिखा रहा है आपको, प्रॉफिट कैसे, आपने इसके अंदर जाना है, परचेज किए 6,000 का, 7,800 का आपने सेल किया, तो आपका जो प्रॉफिट बचा वो यहाँ पे प्रॉफिट दिखा दिया, 900 का 1,800 होता है, जिसमें से 900 एक्सपेंसेस हैं, बाकी का 900 प्रॉफिट है, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो आप लोग को समझ में आई होगी टैली प्राइम की, तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे, इसमें कुछ एंट्री के साथ मिलेंगे प्राइमर में कि आप अच्छे से आप एंट्री कैसे कर सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।